एक-एक जन को मालूम है, उन्हें एक-एक लफ्ज सही बोला है। जतिन सोहेल आसू जी, एवरी वन नोज एवरी सिंगल वर्ड आई हैव रिटन इन द ड्राफ्ट, इन द नोटिस, क्योंकि 4 मार्च को मैंने ड्राफ्ट, 4 अप्रैल को मैंने ड्राफ्ट भेजा था। 6 अप्रैल को उन्होंने मेरे को वापस धमकाने का ईमेल भेजा कि आई एम ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी, मैं तो मेरा पैसा नहीं मांग रही यार, आपको एक्सटॉर्ट मनी क्या। देन फाइनली 8 अप्रैल को मैंने नोटिस भेजा, जो सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज और आसू जी सोहेल जतिन को मैंने पूरा ऑफिशियल नोटिस भेजा साइन करके कि ऐसा ऐसा है, ये सब मेरे प्रॉब्लम्स है। मुझे लगा अभी ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ये वो शांत क्यों रहे। 8 अप्रैल को मैंने भेजा, अभी उनका जो पुलिस स्टेशन में जो रजिस्टर हुआ है दैट स्टार्टेड ऑन 8 मई, तो 8 अप्रैल से 8 मई तक ये शांत क्यों थे। तब इनने क्यों नहीं बोला मुझे टर्मिनेट किया गया, तब इनने क्यों नहीं बोला ये डिसऑर्गेनाइज है, इनडिसिप्लिन है और हम ये काम ठीक से नहीं करती है, तब क्यों नहीं बोला। जब वो बात पब्लिक में आई, जब वो बात बॉम्बे टाइम्स में आई, जब वो दूसरे न्यूज में आई, आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया हु इज जस्ट टेकिंग आउट द ट्रुथ, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। और कुछ जो फालतू जो कुछ चैनल्स हैं जो इस तरीके की बातों को बढ़ा रहे हैं कि आसिफ जी ने मेरे साथ यौन संबंध बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। आसिफ जी ने ओनली वर्बल चीजें बोली हैं, तो प्लीज बिना मतलब कि किसी की यू नो गरिमा को भी ठेस मत पहुंचाइए और सही बात को आगे बढ़ाइए। हाथ जोड़ती हूँ मैं ये। सो अभी पुलिस स्टेशन में जैसे ये नोटिस पहुंच गया है, बिकॉज आई एम नॉट इन मुंबई, इसके लिए जो भी FIR करना है वो मैं मुंबई जब जाऊंगी तब करूंगी। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द सेम, एंड मुझे कलेक्ट्रेट से लेटर आया है कि दे आर लुकिंग इनटू द मैटर, दे हैव रजिस्टर्ड इट, जो भी उनका, जो मुझे इतना समझ में नहीं आता लीगल क्या है, वो दे हैव रजिस्टर्ड इट, तो अब आगे क्या होगा देखते हैं। और वो जो मुझे बोल रहे हैं वो मुझे डिफेम करेंगे एंड एवरीथिंग, वो देखते हैं कहाँ करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है मैंने एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोला। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज नॉट फॉर मनी, दिस इज जस्ट फॉर ट्रुथ एंड विक्ट्री। मैं ये अपॉलोजी के लिए कर रही हूँ, उन लोग को ये बात माननी होगी कि उन्होंने ये किया है, वो तीनों ने, उन्होंने को हाथ जोड़ के मुझे बोलना पड़ेगा कि जेनी सॉरी ये हमने किया है, बिकॉज यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।